सप्तसंगी माता की जय हो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए फ्रेश एपिसोड में। इस वक्त आप देख रहे हो, मैं हूँ सप्तसंगी गढ़। हमारे भारत देश में कुल 51 शक्तिपीठ है, जिसमें महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ आते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सप्तसृंगी माता के दर्शन कराऊंगा और आप यहाँ पर कैसे आते हो और यहाँ पर रोपवे की क्या टिकट है, यहाँ पर आपको खाने की सुविधा कैसे मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबाएं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये स्थान जो है सप्तसृंगी गढ़ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, ये यहाँ का प्रमुख गेट। तो अभी मैं आपको आज की यात्रा शुरू करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ। अभी मैं जो है यहाँ के रोपवे की पार्किंग में आ गया हूँ। यहाँ पर जो है पार्किंग की 2-व्हीलर के लिए 30 रूपए टिकट है, अगर आप 4-व्हीलर लेके आते हो तो आपको 50 रूपए पे करने पड़े। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इंडिया का पहला फ्यूनिक्यूलर रोपवे है, जो कि दिखता एकदम ट्रेन जैसा है और एकदम सेफ है। तो यहाँ से मुझे रोपवे की टिकट लेनी है। तो ये है भाई यहाँ की रोपवे की टिकट, जो की 110 रूपए की है। तो यहाँ से चल रहा हूँ अभी मैं अंदर। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ अंदर। तो अभी मैं यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ और पहले मैं यहाँ पर रोपवे के माध्यम से दर्शन के लिए जाता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पर इस मार्केट में लेके आऊंगा। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर मार्केट बना हुआ है, बाजार में आपको सब कुछ मिलता है यहाँ पर। यहाँ पे वेटिंग हॉल है और अभी यहाँ पे इतना भीड़ नहीं है। तो देखो मेरी टिकट चेक हो गई है, अभी मैं रोपवे में बैठने जा रहा हूँ। मंदिर दर्शन के लिए प्रसाद आप यहां से ले सकते हो, आप यहां पर जो है प्रसाद अच्छा मिल जाता है। और ये देखो पूरा पूजा का सामान है यहां। माता जी का साड़ी है, पूरे चढ़ने के लिए मिलता है। और ये नॉर्मल पूजा है, इसका प्रसाद हो रही है माता जी की साड़ी वगैरह। मैं रोपवे स्टेशन आ गया हूँ, ये जो है ट्रेन जैसा रोपवे है और मैं भी अब जो है इसके माध्यम से ऊपर जाऊंगा। तो ये देखिए भाई, ये है रोपवे यहाँ का। और इसमें जो है एक बार 60 लोग ऊपर जाते हैं बैठ के, और 60% का यहाँ पर स्टैंड है। अभी मैं जो है भारत के पहले फ्यूनिकल रोपवे में बैठा हूँ और ऊपर जाके बताऊंगा कि कितने टाइम में ये ऊपर पहुंचाता है। बोले सप्तसंगी माता की जय हो। तो देखिए भाई, और रोपवे शुरू हो गया है। जय बोले सप्तसंगी माता की जय हो। ये देखो यहाँ पर दूसरा रोप पे जा रहा है नीचे। इसमें बैठने के बाद बिल्कुल डर नहीं लगता है, भारत का पहला फ्यूनिकल रोप पे माना जाता है। अभी मैं यहाँ पर ऊपर तो आ गया हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ है यहाँ पे। दर्शन में थोड़ा समय लगेगा, एक बार दर्शन करते हैं। और सामने का आप नजारा देखिए, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है ऊपर पहाड़ से। और नीचे देखो आप, ये सप्तसृंगी गांव और यहाँ रोपवे का नजारा दिखता है। यहाँ पर देखो चांदी का गणेश जी का मूर्ति है। और यहाँ से चलता हूँ मैं दर्शन के लिए, ये VIP खिड़की है। माता जी के दर्शन हो गए हैं और बड़े ही शुभ दर्शन है, बड़े आनंद की अनुभूति हुई है। और सप्तसृंगी माता के आप भी दर्शन कर रहे हो मेरे साथ में, आपको मैं लाइव दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ पर देखो आप, सैकड़ों भक्त यहाँ पर जो है दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो आप सब कमेंट में जय सप्तसृंगी माता जरूर लिखे। अभी मैं जो है यहाँ पर मंदिर के ऑफिस में आया हूँ और मेरे साथ में यहाँ पर जो है पंडित जी हैं। और यहाँ के जो मंदिर की जो मान्यता है और माता जी की जो शक्तिपीठ की मान्यता है, उसके बारे में सर बताएंगे आप। नमस्ते, जय माँ जगदम्बा। मैं धनंजय दीक्षित गुरु जी, वणी के सप्तसृंगी माता। महाराष्ट्र में जो 4 बड़े शक्तिपीठ है, प्रभु रामचंद्र जब पंचवटी में वनवास में थे तो माता जी के दर्शन को आए हुआ, ऐसा पुराणों में ग्रंथों में उल्लेख है। ये माँ का निर्माण सर्व देवताओं ने शक्ति से किया है, उनके हर एक शस्त्र माता जी को दिए है। माता जी ने महिषासुर का वध करके ये जो जगह है ये आराम करने के लिए चुनी है, इसलिए 7 शिखर पर्वत को है, इसलिए माता जी का नाम सप्तसृंगी माता है। माता जी की मंदिर पहाड़ पे है, 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है।
अश्विन नवरात्र और चैत्र नवरात्रि में सबसे बड़ा मेला यहाँ पे लगता है। हजारों लाखों लोग माता जी का दर्शन करते हैं और जो मन्नत मांगते हैं उनकी सबकी मन्नत माता जी पूरी करती है। ऐसे हजारों साल से आख्यायिका है। आज भी लोगों को, हमको या देवी भक्तों को बहुत सारे ऐसे अनुभव आते हैं, इसलिए माता जी की महिमा है वो अनादि है और अनंत है। तो भाइयों दर्शन हो गए अच्छे से और स्पेशल एंट्री से आया था अंदर में। यहाँ पर जो है मुझे माता जी का प्रसाद में देखो चुन्नी दिया है यहाँ के पंडित जी ने, और यहाँ पर श्री गणेश जी है और चांदी का मूर्ति है ये, और बहुत ही शुभ माना जाता है। और मैंने आपको यहाँ के शुभ दर्शन करवाए हैं। अभी देखिए मैं दर्शन करके बाहर आ गया हूँ, और यहाँ पर जो है एंट्री और एग्जिट का अलग अलग रास्ता है। और तो अभी मैं जो है वापस यहाँ का ये जो बाजार है उसमें आ गया हूँ, पर आपको मिठाई की शॉप वगैरह सब मिल जाएगा और बड़ा बाजार है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जो मार्केट बना हुआ है वो दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही सुंदर सुंदर आइटम आपको मिल। अभी मैंने यहाँ पर जो है प्लेन थाली ऑर्डर किया है, मैं आपको बताता हूँ थाली में क्या क्या आता है। और इसमें राइस है, चवड़े की सब्जी है, दाल है और अचार है और आलू की सब्जी है और प्लेन रोटी आती है। और एक थाली और भी आती है जिसमें पनीर की सब्जी आती है, जिनको पनीर पसंद होता है वो पनीर मंगाता है। अभी इसको टेस्ट करते हैं। चवड़े की सब्जी बढ़िया है, एक बार दाल टेस्ट करके बताता हूँ आपको। खाना अच्छा है, मैं भी इसको फिनिश करता हूँ फिर मिलता हूँ। 130 रुपए की प्लेन थाली थी और एक यहाँ पर पनीर की थाली मिलती है वो 160 रुपए में मिलती है। और ये यहाँ का मार्केट है पूरा आप देख सकते हो। और अभी जो है काफी टाइम हो गया है, 6 बजने को आया है शाम को। और यहाँ पर शिवालिक तालाब है जो एक तीर्थ स्थल है, लोग वहाँ स्नान करके माता जी के दर्शन करने आते हैं, और वो जो है रास्ता गांव के उधर से होके आता है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैं ऊपर मंदिर में गया हुआ था, वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर वापस नीचे आ गया हूँ, और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट बना हुआ है, तो व्यू पॉइंट एंजॉय करते हैं। और दिन ढलने को है तो एक बार आपको व्यू पॉइंट का नजारा दिखाता हूँ फिर वीडियो एंड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप सामने वो जो आप पहाड़ देख रहे हो सामने उस पर्वत पे था उसके पीछे, और यहाँ पर देख रहे हो एक सामने एक और पहाड़ है, ये देखिए यहाँ का नजारा। ये देखिए यहाँ से गाइस, और अभी जो है मौसम भी बारिश का हो रखा है तो बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से। और एक बार मैं आपको जो वहाँ का टॉप पॉइंट है वहाँ चलता हूँ। और सामने देख रहे हो आप सूरज ढल गया है, पूरा देखो वादियों में हरा भरा नजारा, बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से इस टाइम। नीचे देख रहे हो आप एक तालाब बना हुआ है बहुत बड़ा। तो दोस्तों वैसे तो मैंने आपको इस वीडियो में जो है सप्तशृंगी माता शक्तिपीठ और यहाँ का व्यू पॉइंट ये सब दर्शन करवाए, लेकिन अब दिन ढलने को है और बारिश का भी मौसम हो गया है, तो यहाँ पर जो है एक शिवालिक तालाब तीर्थ स्थल है, और मान्यता यह है कि उस तीर्थ स्थल में भक्त स्नान करके फिर यहाँ पर माता जी के दर्शन करने जाते हैं, और वहीं से जो है वो पैदल का जो रास्ता आता है 450 सीढ़ियों चढ़ के वहीं से आना होता है। मैं रोप वे से गया था और आपको इस वीडियो में सप्तशृंगी दर्शन करवाया। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे आगे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल का लाल बटन सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सबको राम राम, जय माता दी।